दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में हाल ही में घर के अंदर एक ऐसा सीन देखने को मिला जिसे देखकर यूं लगा कि मानो बेबी का तो पूरी तरीके से एलविस भाई के प्यार में पागल हो गई हो। जी हां दोस्तों, आधी रात के समय घर की लाइट्स ऑफ हो गई और इसके बाद में बेबी का अपने बेड पर बैठी हुई थी। तभी दोस्तों जब एलविस भाई अंदर आए तो यहाँ पर बेबी का ने एलविस को अपने पास बुलाया। इस दौरान एलविस भी बेबी का के बेड पर उसके साथ में बैठ गए और यहाँ पर शुरू हुई चुगली की कहानी। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बेबी का ने बैठ कर एलविस के सामने फुकरा इंसान के बारे में चुगली करते हुए कहा कि तुझे पता है वो प्यार करता है मेरे से, तभी तो बार बार आके मेरे को छेड़ता है, मेरे से लड़ता है, उससे रहा नहीं जाता है मेरे बिना। वही दोस्तों यहाँ पर पहले तो एलविस भाई ने काफी ध्यान से सुना इन सारी बातों को और बेबिका की हाँ में हाँ मिलाते रहे। और इस दौरान बेबिका ने मनीषा के लिए भी कहा कि मनीषा तो है ना, उसको लेकर कुछ ज़्यादा ही पजेसिव हो रही है, वो उसको एक पल भी एक अकेला नहीं छोड़ती है, उसको डर सताता है कि कोई उससे दूर छीन के भाग जाएगा। तभी देखा वो तेरे साथ इतनी क्लोज नहीं रहती जितना उसके साथ में रहती है, और उसको लगता है कि मैं तेरे से बात करती हूँ और उससे बात करती हूँ ना तो उसको लगता है कि उसका अभिषेक उससे दूर हो जाएगा, इसलिए वो जलती है मेरे से। जी हाँ दोस्तों, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर आधी रात के समय बेबिका एलविस को बताते हुए नजर आई। और दोस्तों आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि एलविस भी इन सारी बातों को काफी ध्यान से सुन रहे थे और बाद में कहा कि चल अब सो जा, बहुत हो गई। हालांकि बेबी का कहां चुप बैठने वाली थी, वो जबरदस्ती एलविस का कभी हाथ पकड़ती तो कभी कुछ, और उसे अपने पास में बिठाने के लिए मजबूर कर दिया। और यहाँ पर ये बातें काफी देर तक यूं ही चलती रही जो कि देखने में काफी मजेदार थी। फिलहाल दोस्तों कैसा लगा यहाँ पर एलविस भाई का आपको यह अंदाज हमें कमेंट में जरूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए ताकि बिग बॉस की हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।